देखो बच्चों, हमारा अगला एक्सपेरिमेंट है कैलकुलेटिंग दी फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हमारा रे ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट है और ऑप्टिकल बेंच पे इसे कैसे किया जाता है मैं आपको ब्रीफ आइडिया देता हूँ, उसके बाद हम करेंगे इसमें कि ग्राफिकली कौन से ग्राफ्स प्लॉट करके हम इसे एक्चुअली में ऑप्टेन करते हैं। ठीक है, तो एम क्या है हमारा? एम है हमारा कैलकुलेटिंग दी फोकल लेंथ, कैलकुलेटिंग दी फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और अच्छे से लिखें तो बाय प्लॉटिंग द ग्राफ, बाय प्लॉटिंग वी वर्सेस यू ग्राफ। ठीक है, वी वर्सेस यू ग्राफ प्लॉट करके आप फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस निकालते हैं। तो हम फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, एक बार ये देखते हैं क्विकली। ठीक है, तो ये देखिए हमारी ये है ऑप्टिकल बेंच, राइट? ये हमारी ऑप्टिकल बेंच है बच्चों। इसमें जो 50 सेंटीमीटर का मार्क होता है, 50 सेंटीमीटर की मार्किंग मतलब मिड पॉइंट पे हम एक लेंस होल्डर के अंदर कॉन्वेक्स लेंस को फिट कर देते हैं। ओके, राइट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस साइड पे एक ऑब्जेक्ट नीडल लेते हैं, कोई भी एक नीडल लेते हैं, राइट? एक नीडल लेते हैं और इस नीडल की हम यहां दूसरी नीडल, इसको ऑब्जेक्ट नीडल बोल देते हैं बच्चों। वैसे तो हम किसी को भी ऑब्जेक्ट नीडल और किसी को भी इमेज नीडल बोल सकते हैं। ठीक है, और यहां पर हम एक इमेज नीडल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा इजी रहे समझना, हम एक नीडल के ऊपर या तो कोई पेपर लगा देते हैं या फिर हम उसको एक मार्कर से रेड कलर का पेंट कर देते हैं। ठीक है, अब करते क्या है, हम सबसे पहले हमें एक चीज याद रखनी है कि हमें ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल को एक्चुअली में रखना कहाँ होता है। तो उसका एक जो सिंपल और सबसे पहला स्टेप होता है एस्टिमेटिंग द रफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो आप कॉन्वेक्स लेंस लेकर के जो आपने बचपन में एक पेपर को बर्न किया हुआ है वही करना है दोबारा। आप सनलाइट में चले जाइए या कोई भी ट्यूबलाइट वगैरह की आप एक पेपर पे इमेज बना के देख लीजिए, एक दूर वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, पड़ोस की खिड़की हो सकती है, ठीक है, पड़ोस वाले का घर हो सकता है या सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप उसकी इमेज पेपर पे बना के देखिए। ठीक है, तो जो रफली इमेज डिस्टेंस आएगा वो जो होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, पड़ोसी का घर या सन लगभग एक ही बात है। ठीक है, फोकल लेंथ के 100 गुने से ज्यादा को आप इनफाइनाइट डिस्टेंस मान सकते हैं। ठीक है, तो अब एक लेंस लीजिए और एक वाइट पेपर लीजिए और सन की इमेज बना लीजिए आप। ठीक है, तो जहां पर वो बिल्कुल ब्राइट इमेज बन जाएगी, बिल्कुल डॉट बन जाएगा जहां पेपर बर्न हो जाएगा जितने डिस्टेंस पे रखने पे, वो एस्टिमेटेड रफ फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस होगी। ठीक है, अब आपको कभी भी ऑब्जेक्ट नीडल फोकल लेंथ के अंदर नहीं रखनी है। मतलब मान लीजिए कि रफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आई है, तो आपको जो ऑब्जेक्ट नीडल रखनी है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पे रखनी है। ओके, अब आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर की मार्किंग पे रखा, तो ये डिस्टेंस 20 हो गया। ठीक है, फिर आप उधर एक नीडल लीजिए, उस इमेज नीडल को आप रफली मूव कराइए। ठीक है, अब आपको अगर शुरू में नीडल ऐसे जा रही है तो आप लेफ्ट और राइट वाले स्क्रूज की मदद से नीडल को एक दूसरे के ऊपर ले आइए। एक बार आप इन दोनों की हाइट को एडजस्ट करके टिप टू टिप मैच करा दीजिए। ठीक है, फिर आप इस इमेज नीडल को आगे पीछे मूव कराइए और एक आंखों को बंद करके, अपनी एक आंख को बंद करके ऐसे देखिए ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल को। अगर दोनों साथ में जा रहे हैं, दोनों ऐसे जा रहे हैं लेफ्ट और राइट में, तो इसका मतलब रिलेटिव मोशन नहीं है ऑब्जेक्ट और इमेज नीडल में, यानी पैरलेक्स रिमूव हो गया है। पैरलेक्स क्या होता है? रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट नीडल एंड इमेज नीडल। अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे, जैसे एक बार आपने मिला दिया, लेफ्ट टू राइट जाने पे अलग हो जाए ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब अभी इमेज ऑप्टेन नहीं हुई है। और अगर आप लेफ्ट टू राइट देखते हैं बच्चों और ये साथ में चले जाएं, तो इसका मतलब पैरलेक्स रिमूव हो गया है। अभी जहां पर इमेज नीडल रखी है एक्चुअली में वही इमेज डिस्टेंस है लेंस से। तो मान लीजिए ये मार्किंग आपकी आती है 70 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस आप 20 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, तो इन ऑल एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि ये जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगा और ये जो है इमेज डिस्टेंस v होगा बच्चों। ठीक है, तो अगर हम फोकल लेंथ हमने रफ निकाली थी पेपर पे,
उस फोकल लेंथ से ज्यादा दूरी पे रखना है हमेशा। और आप जानते हैं कि 15 अगर हमारी फोकल लेंथ रफ 10 आई है तो 15 पे रख लीजिए, 20 पे रख लीजिए, 25 पे रख लीजिए, 30 पे रख लीजिए, ऐसे 3-4 रीडिंग्स आ जाएंगी आपके पास। आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या करना है बच्चों, याद रखिएगा जो ये ऑप्टिकल बेंच पे मार्किंग है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, लेंस और ऑब्जेक्ट नीडल के बीच की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और लेंस और इमेज नीडल के बीच की दूरी इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपके पास 3-4 रीडिंग्स आ जाएंगी जो भी आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये जो भी रीडिंग्स आ जाएंगी, ठीक है, जो भी ये रीडिंग्स आ जाएंगी, इन रीडिंग्स को आप प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में हम रियल इमेज की बात करते हैं, हम रियल इमेज ही ऑब्टेन कर रहे हैं, है ना। तो यू नेगेटिव है लेफ्ट साइड में, यू नेगेटिव है और वी पॉजिटिव है राइट साइड में, इमेज अगर रियल बनी है। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू नेगेटिव और लेंस में रियल इमेज के लिए वी पॉजिटिव है ना। तो अगर हम वी वर्सेस यू ग्राफ बनाते हैं ना बच्चों, वी वर्सेस यू ग्राफ, राइट, तो वी वर्सेस यू ग्राफ में यू नेगेटिव और वी पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा बच्चों, और हमें इस तरीके का एक कर्व ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों, हमें इस तरीके का एक कर्व ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, कैसे कर्व ऑप्टेन होगा, यू और वी की डिफरेंट वैल्यूज को अगर हम प्लॉट करेंगे बच्चों, तो हमें इस तरीके यू और वी की एक वैल्यू, एक वैल्यू, एक वैल्यू, एक वैल्यू, एक वैल्यू को प्लॉट करके हमें कर्व मिल जाता है। ठीक है, यू नेगेटिव रियल ऑब्जेक्ट के लिए, वी पॉजिटिव रियल इमेज के लिए। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, बताइए लेंस की कौन सी पोजिशन पे ऑब्जेक्ट को रखने पर लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी और लेंस से इमेज की दूरी सेम होती है। तो वह आप जानते हैं 2f पे, अगर हम लेंस से 2f डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी हमें लेंस से 2f डिस्टेंस पे ही मिलती है। तो यह बात सच है कि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट होता है, इमेज राइट साइड में होती है, बट डिस्टेंस इन मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम यहां क्या करते हैं बच्चों, यहां पर हम एक 45 डिग्री की है ना प्रोटेक्टर से एक लाइन बना लेते हैं 45 डिग्री पे। ठीक है, जहां भी इस कर्व को इंटरसेक्ट करेगी वहां पे वी और यू बराबर हो जाएंगे। अब बेटा वी और यू बराबर कहां हो सकते हैं, वी और यू बालकों बराबर हो सकते हैं एक पॉइंट पे विच इज 2f, 2f। ठीक है, तो ये जो दूरी है ये 2f होगी, ये भी 2f होगा इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये जो भी पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है हमारी 45 डिग्री पे जो हमने लाइन बनाई है, वो इस कर्व को जहां भी इंटरसेक्ट करेगी ना बालको, जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट 2f, 2f होगा। यानी मान लीजिए सपोजिटली ये पॉइंट 20, 20 है, अगर ऑब्वियसली x नेगेटिव होगा वो कोई बात नहीं है, तो 20 ही 2f भी होगा, यानी लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, एक बार वापस मैं आपको प्रिसाइजली समझा देता हूँ, लेंस को हम बिल्कुल बीच में ऑप्टिकल बेंच के फिट कर देंगे, लेंस की रफ फोकल लेंथ हम जो सूरज है, सूर्य देवता, उनकी इमेज बना करके पेपर पे देख लेंगे कि लेंस की एस्टिमेटेड फोकल लेंथ क्या आ रही है, रफ फोकल लेंथ, उस फोकल लेंथ के बाहर बाहर ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट करेंगे और इमेज ऑप्टेन करते रहेंगे हम। पैरलेक्स रिमूव कैसे करेंगे, पैरलेक्स रिमूव कैसे होता है, शुरू में आपको इमेजेस ऐसे दिखेंगी, लेफ्ट और राइट वाला स्क्रू मूव कराने से ऐसे करना है, नीडल की हाइट एडजस्ट करके एक बार मिला देना है, फिर आपको देखना है कि दोनों लेफ्ट और राइट देखने पर दोनों अलग नहीं होने चाहिए, अगर अलग हो रहे हैं तो पैरलेक्स है, अलग नहीं हो रहे हैं तो पैरलेक्स रिमूव हो गया, मतलब आपको इमेज मिल चुकी है। ठीक है, लेंस से ये वाली दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेंस से ये वाली दूरी इमेज डिस्टेंस। v वर्सेस u ग्राफ एक कर्व होगा, उस कर्व पे अगर 45 डिग्री पे एक लाइन बनाएंगे तो वो 2f, 2f वाला पॉइंट होगा, उसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए अगर 20, 20 पॉइंट आ रहा है तो 2f 20 हो जाएगा, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अगर हम यहां पर एक और फॉर्मूला देख, एक और ग्राफ देखना चाहें तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज बच्चों 1/v - 1/u, यहां से 1/u आता है, 1/v आता है 1/u + 1/f। बेटा अगर 1/v वर्सेस 1/u बनाया जाए तो ये y हो गया, ये x हो गया, ये c हो गया। ठीक है, तो ये इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ बच्चों कैसा बनेगा, 1/v वर्सेस 1/u कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। ठीक है, एक्चुअली में तो स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, इस तरह का ग्राफ होगा, लेकिन अगर आप इधर बनाना चाहें तो पीछे एक्सटेंड करने पे ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है बच्चों, तो 1/v वर्सेस 1/u इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमने इसी क्वाड्रेंट में क्यों बनाया, क्योंकि आप जानते हैं कि u नेगेटिव है तो u का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, v पॉजिटिव है तो v का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, 1/v वर्सेस 1/u का इस तरह का ग्राफ आना चाहिए, v वर्सेस u ग्राफ ऐसा आना चाहिए, इस ग्राफ में 45 डिग्री पे बनाई हुई लाइन जहां ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी वो 2f, 2f होगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया कि ऑप्टिकल बेंच में हम की मदद से हम कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं।